आज हम बनाएंगे शहतूत की चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। शहतूत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें आयरन, विटामिन सी, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शहतूत खाने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और कैंसर के खतरों से भी बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप शहतूत ले लिया है। शहतूत खाने में खट्टा होता है। आप देख सकते हो इसमें कुछ पिंक कलर के शहतूत हैं और कुछ डार्क पिंक। तो जो डार्क पिंक हैं वो हल्के मीठे हैं और जो पिंक वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं, पर इसकी चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। शहतूत का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। गर्मी में लू लगने से भी ये बचाता है। जूस ज़्यादा खट्टा लगे तो उसमें मिश्री या शहद मिलाकर भी पिया जा सकता है। इसे धो लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो यहाँ पर इसे मैंने दो बार पानी बदलते हुए अच्छी तरह से धो लिया है। इसे धोने के बाद इस तरह से ये पानी निकल कर आता है। शहतूत के अंदर ये कुछ बारीक सा निकलता है, तो इसे दो तीन बार ज़रूर धो लें। ज़्यादा पके हों तो हाथों से ज़्यादा ना मसलें, वरना ये क्रश हो जाएंगे। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। इसके साथ ही साथ दो हरी मिर्च ली है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। चार पाँच लहसुन की कलियाँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, ये चार गुड़ के टुकड़े भी ले लिए हैं। गुड़ ऐड करना ऑप्शनल है, पर यहाँ पर मैंने शहतूत के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए गुड़ भी ऐड किया है। गुड़ की जगह पर आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। एक मुट्ठी भर कर धनिया की पत्तियाँ भी ले ली हैं, इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। धनिया की पत्तियों के बिना भी ये चटनी बनाई जा सकती है। एक टीस्पून भुना हुआ जीरा भी ले लिया है, इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च के डंठल तोड़कर डाल देते हैं और भुना हुआ जीरा, अदरक और गुड़, हल्का सा पानी भी डाल देते हैं। शहतूत खुद ही जूसी होता है तो ज़्यादा पानी ना ऐड करें। और अब ढक्कन लगाकर इसे मैंने पीस लिया है। इसे एक छोटी बाउल में निकाल लेते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। अब इसमें स्वादानुसार नमक और आधा टीस्पून काला नमक भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर हमारी शहतूत की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप समोसे, कचौरी या पकौड़े के साथ सर्व कर सकते हो। मेन कोर्स में साइड डिश की तरह भी सर्व किया जा सकता है। इसे आप सैंडविच बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में रखकर आप इसे 3-4 दिनों तक आराम से खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।